हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण कुमार शर्मा, योर हिस्ट्री टीचर। आई होप यू विल बी फाइन। टूडे वी विल रिज्यूम अवर थीम 13, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। टूडे वी विल रिज्यूम ऑन पेज नंबर 353 एंड 352, फर्स्ट ऑफ ऑल 352 एंड द टाइटल इज चरखा। महात्मा गांधी वाज प्रोफाउंडली क्रिटिकल ऑफ मॉडर्न एज इन विच मशीन्स एनस्लेव्ड ह्यूमंस एंड डिस्प्लेस्ड लेबर। गांधी जी इस बात के जो है बहुत ही विरोधी थे, क्रिटिकल थे, गंभीर विरोधी थे कि वो मॉडर्न एज में मशीनों के काफ़ी विरोधी थे, और वो उनका मानना था कि इसने ह्यूमन को, मानव को अपना गुलाम बना लिया है, और इस प्रकार इसने लेबर यानी लोग हाथ से काम करते थे उसकी जगह ले ली है। ही सा द चरखा एज ए सिंबल ऑफ ए ह्यूमन सोसाइटी दैट वुड नॉट ग्लोरीफाई मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। और इस प्रकार उन्होंने चरखे को एक सिंबल माना ह्यूमन सोसाइटी का, कि जो मशीन्स को और टेक्नोलॉजी को ग्लोरीफाई नहीं करता था। दी स्पिनिंग व्हील मोरावर, इसके अलावा जो स्पिनिंग व्हील चरखा था, कुड प्रोवाइड द पुअर विद सप्लीमेंट्री इनकम, वो उनको देता था एक अतिरिक्त आय, एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट, और उनको आत्मनिर्भर भी बनाता था। व्हाट आई ऑब्जेक्ट टू इज द क्रेज फॉर मशीनरी एज सच, जो मशीनरी के लिए जो हमारी सनक है, क्रेज माने सनक, पागलपन। द क्रेज इज फॉर व्हाट दे कॉल लेबर सेविंग मशीनरी, कि ये लेबर सेव करता है यानी आदमी की मेहनत को कम करता है। मैन गो ऑन सेविंग लेबर, और इस प्रकार मनुष्य को कि लेबर को बचाता है, टिल थाउजेंड्स आर विदाउट वर्क, और हजारों लाखों लोग बिना काम के ही हैं। एंड थ्रोन ऑन द ओपन स्ट्रीट्स टू डाई ऑफ स्टारवेशन, और उनको खुली सड़क पर भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आई वॉन्ट टू सेव टाइम एंड लेबर, मैं टाइम और लेबर को सेव करना चाहता हूँ, नॉट फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ मैनकाइंड, बट वो ऐसी मैनकाइंड माने मानवता को दुख देने के लिए नहीं, बट फॉर ऑल। आई वांट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड नॉट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, मैं चाहता हूँ कि जो ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, जो धन का जो संग्रह है, सिर्फ कुछ हाथों में ना हो, बट इन द हैंड्स ऑफ ऑल, वो सभी के हाथ में हो। एंड दिस आर्टिकल वाज रिटन बाय गांधी जी इन यंग इंडिया ऑन 13 नवंबर 1924 एज ए यंग इंडिया वाज ए जर्नल न्यूज़पेपर, फोर्टनाइट न्यूज़पेपर, एंड इट वाज पब्लिश्ड बाय गांधी जी। खद्दर डज नॉट सीक टू डिस्ट्रॉय ऑल मशीनरी, बट डज रेगुलेट इट्स यूज एंड चेक इट्स वीडी ग्रोथ। जो खद्दर है या खादी का जो कपड़ा है, वो सभी मशीनरी को डेस्ट्रो नहीं करता, बल्कि इसका जो वीडी ग्रोथ है, ये वीडी का मीन्स होता है कि जो अच्छा ठीक से, वीडी माने फीबल, फ्रेजाइल, कमजोर ग्रोथ है, उसको रोकता है। इट यूजेज मशीनरी फॉर द सर्विस ऑफ द पुअरेस्ट, इसमें जो गरीब इन देयर ओन कॉटेज, यानी लोग खद्दर को अपने ही घर में मशीनरी पर, मशीन का यूज करके बनाते हैं। द व्हील ऑफ इज इटसेल्फ एन एक्विसाइट पीस ऑफ मशीनरी, और इस प्रकार जो व्हील है, ये चरखा है, वो एक सुंदर मशीनरी का एक एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, नाउ देर आर सम मिरेकुलस एंड अनबिलीवेबल, पेज 153
लोकल द मिरेकुलस मैंने चमत्कारिक और अनबिलीवेबल यानी सोर्स टू है ये, और इसमें बताया गया है कि देयर वाज सो रूमर वर स्प्रेडिंग एट दैट टाइम अबाउट गांधी जी एंड हिज एफिशिएंसी हिज पावर हिज मिरेकुलस पावर्स. लोकल न्यूज़पेपर इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस मीन्स आज जो उत्तर प्रदेश है उस समय उसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, एंड रिकॉर्डेड मैनी ऑफ द र्यूमर्स. र्यूमर्स मीन्स होता है अफवाह दैट सर्कुलेटेड एट द टाइम जो उस समय फैली हुई थी. देयर वर र्यूमर्स दैट बहुत र्यूमर थी कि एवरी पर्सन हु वांटेड टू टेस्ट द पावर ऑफ महात्मा हैड बीन सरप्राइज्ड, कि जो व्यक्ति भी अगर महात्मा की पावर को टेस्ट करना चाहता है, उसका परीक्षण करना चाहता है, तो वो सरप्राइज हो जाएगा. सिकंदर साहू फ्रॉम ए विलेज इन बस्ती सेड ऑन 15 फरवरी दैट ही वुड बिलीव इन द महात्मा जी वहन द करहा, करहा का मतलब बॉइलिंग पॉन फुल ऑफ सुगर केन जूस इन हिज करहा वहन गुड़ वाज प्रोड्यूस्ड. यानी सिकंदर साहू नाम का एक व्यक्ति जो बस्ती डिस्ट्रिक्ट यूपी यूनाइटेड प्रोविंसेस का रहने वाला था, उसने बताया कि जब उसने उसका महात्मा जी पे बहुत विश्वास था और जब वह अपने कढ़ा में शुगर केन जूस को गर्म करके वो गुड़ या जैगरी प्रोड्यूस कर रहा था, स्प्लिट इनटू टू इमीडिएटली द कढ़ा एक्चुअली स्प्लिट इनटू टू फॉर्म ऑफ द मिडिल. और उसने उसने ये कल्पना की थी कि महात्मा जी से कहा कि ये कढ़ा दो भागों में विभाजित हो जाए, और वो ऐसा ही हो गया. एक कल्टीवेटर इन आजमगढ़ सेड, एक कल्टीवेटर ने कहा आजमगढ़ के किसान ने, दैट ही वुड बिलीव इन महात्मा जीज ऑथेंटिसिटी, कि उसे महात्मा गांधी की जो प्रमाणिकता है सच्चाई है उसमें विश्वास है. इफ सीसम स्प्राउटेड ऑन हिज फील्ड प्लांटेड विद व्हीट, अगर उसने सीसम को सोइंग की है, अंकुरित किया है, उगाया है अपने खेत में व्हीट के साथ, नेक्स्ट डे ऑल द व्हीट इन द फील्ड बिकम सीसम, तो उसका विश्वास ये था कि उसने कहा कि गांधी जी का नाम लेकर ये कहा कि मैंने गांधी जी को का बिलीफ था कि उसमें उसने कहा कि मेरा सारा व्हीट सीसम हो जाए, और ऐसा ही हुआ. स्टूडेंट्स नाउ वी विल रिज्यूम ऑन पेज 53 सेकेंड पैराग्राफ. वेयर एवर गांधी जी वेंट, जहाँ वे गए गांधी जी गए, रूमर्स स्प्रेड ऑफ हिज मिरेकुलस पावर, उनकी जो चमत्कारिक शक्तियाँ थीं उन पर उनके रूमर यानी अफवाहें फैलती रहीं. इन सम प्लेसेज इट वॉज सेड दैट ही हैड बीन सेंट बाई द किंग टू रिड्रेस द ग्रीवेंसिस ऑफ द फार्मर्स, कुछ स्थानों पर यह अफवाह थी कि जो राजा था उसने उसको गांधी जी को उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए भेजा है, एंड दैट ही हैड पावर टू ओवर रूल ऑल ऑफिशियल्स ऑफ लोकल ऑफिशियल्स, और उनमें ये पावर है कि वो सभी जो जितने भी लोकल ऑफिशियल्स हैं, जो स्थानीय अधिकारी हैं, उन सबको उनके पोस्ट से पद से भी हटा सकते हैं. इन अदर प्लेसेस इट वाज क्लेम्ड, यह दावा किया गया कि गांधी जी पावर वाज सुपीरियर टू दैट ऑफ इंग्लिश मोनार्क, कि गांधी जी की जो पावर है वो इंग्लैंड के राजा या मोनार्क से भी अधिक है. एंड दैट विद हिज अराइवल द कॉलोनियल रूलर्स वुड फ्ली द डिस्ट्रिक्ट, और उन्होंने कहा कि अगर वे आएंगे उनके डिस्ट्रिक्ट में तो जितने भी कॉलोनियल रूलर्स हैं वो सब उनको देखकर भाग जाएंगे. देयर वर आल्सो स्टोरीज रिपोर्टिंग डायर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर दोज हु अपोज्ड हिम, और ऐसी भी स्टोरीज हैं जिसमें ये रिपोर्ट है कि गंभीर, डायर का मतलब होता है सीरियस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब रिजल्ट, यानी सीरियस रिजल्ट होंगे उन लोगों के लिए जो उनको अपोज करते हैं, गांधी जी का विरोध करते हैं.
रूमर्स स्प्रेड ऑफ हाउ विलेजर्स हु क्रिटिसाइज्ड गांधी जी फाउंड देयर हाउसेज मिस्टीरियसली फॉलिंग अपार्ट ऑफ देयर क्रॉप्स फेलिंग। और ऐसी भी स्प्रेड थी जो विलेजर्स जिन्होंने गांधी जी को क्रिटिसाइज किया उनके घर में जो मिस्टीरियसली फॉलिंग अपार्ट फॉर देयर क्रॉप्स फेलिंग यानी उनके घर में उनकी जो क्रॉप्स हैं वो फेल हो गई और वे अपने घर से भी अलग हो गए यानी उनका घर भी नष्ट हो गया। नॉन वेरियसली एज गांधी जी बाबा, गांधी बाबा यानी वो गांधी बाबा के नाम से भी जाने गए, गांधी महाराज और दास सिंपली एज महात्मा यानी उनके अलग अलग नाम लोगों ने उनको दिए, गांधी बाबा, गांधी महाराज और सिंपली महात्मा। गांधी जी अपीयर्ड टू द इंडियन पीजेंट एज ए सेवियर और वे एक इंडियन पेजेंट के लिए एक रक्षक, सेवियर मीन्स रक्षक, प्रोटेक्टर के रूप में उनका जो है उनका इंट्रोडक्शन हुआ। हु वुड रेस्क्यू देम फ्रॉम हाई टैक्सेस एंड ऑपरेसिव ऑफिशियल्स, जो उनको बचाएंगे हाई टैक्सेस से यानी जो उन पर टैक्स लग रहे थे अधिक, और ऑपरेसिव ऑफिशियल्स और अत्याचारी जो अधिकारी थे जो उनको उन पर अत्याचार करते थे, उनके साथ इल बिहेवियर करते थे, मारते पीटते थे, एंड रेस्टोर डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी फॉर देयर लाइफ, जो इस प्रकार उनके जीवन में सम्मान और आज़ादी को लाएंगे। गांधी जीज अपील अमोंग द पुअर, गांधी जी की जो अपील थी जो पुअर के बीच में, एंड पीजेंट्स इन पार्टिकुलर, पीजेंट्स जो किसान थे उनमें सबसे ज़्यादा अधिक थी यानी गांधी जी की अपील, वाज एनहांस्ड बाई एसेटिक लाइफ स्टाइल, और वो कैसे एनहांस्ड का मतलब वो उसमें इंक्रीज हुआ, बाई हिज एसेटिक लाइफ स्टाइल, लाइफ एसेटिक मानी सन्यासी, एक साधु संत की तरह जो उनकी जीवनचर्या थी उसके कारण भी जो गरीब लोग थे, पुअर थे, वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, वो उनसे बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हुए, एंड बाई हिज श्रूड यूज ऑफ सिंबल सच एज धोती एंड द चरखा, और इस प्रकार जब उन्होंने एक श्रूड का मतलब एक बहुत ही इंटेलिजेंट, एक बुद्धिमत्ता पूर्वक कदम उठाया कि उन्होंने यूज, अब उन्होंने धोती पहननी शुरू की और सारे वेस्टर्न सूट वगैरह सब छोड़ दिए एंड चरखा का यूज़ किया। महात्मा गांधी वाज बाई कास्ट ए मर्चेंट, महात्मा गांधी अपनी जाति से एक व्यापारी थे, एंड बाई प्रोफेशन ए लॉयर, और अपने प्रोफेशन से अपने वर्क से वो एक वकील थे। बट हिज सिंपल लाइफ स्टाइल, लेकिन उनका जो सिंपल लाइफ स्टाइल था एंड लव ऑफ वर्किंग विद हैंड्स अलाउड हिम टू एम्पेथाइज मोर फुली विद द लेबरिंग पुअर फॉर देम, और साथ में उनका ये जो वर्क था और इससे कि हाथ से काम करने के लिए जो उनका आग्रह था, और इस प्रकार उनकी जो इम्पेथाइज थी, सहानुभूति थी, बहुत ही लेबरिंग पुअर के साथ थी, तो इसका भी बहुत ही मास अपील हुआ और बहुत ही इसका प्रभाव हुआ। इन टर्न एम्पेथाइज विद हिम वर मोस्ट अदर पॉलिटिशियंस टॉक डाउन टू देम, बहुत सारे जो पॉलिटिशियन थे वो उनके बारे में टॉक डाउन का मतलब ऐसी बातें कहने लगे जिनसे उनका अपमान हो। गांधी जी अपीयर्ड नॉट जस्ट टू लुक लाइक देम, क्योंकि गांधी जी उनके जैसे नहीं दिखाई देते थे, उनके जैसे नहीं दिखाई देते थे, एंड गांधी जी अपीयर्ड बट टू अंडरस्टैंड देम एंड रिलेट और टू देयर लाइव्स, और इस प्रकार गांधी जी जो है वो अपने जीवन से ही लोगों को बहुत सारे मैसेज दे देते थे, बहुत सारे मैसेज देते थे। वाइल महात्मा गांधी जी मास अपील वाज अनडाउटली जेन्युइन, और लेकिन उनकी जो मास अपील थी, जनता पर जो उनका प्रभाव था वो बहुत ही जेन्युइन थी, ट्रू सच्ची थी,
एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स विदाउट प्रेसिडेंट, और ऐसा कोई इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं था। इट मस्ट आल्सो बी स्ट्रेस दैट हिज सक्सेस इन ब्रॉडनिंग द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म, और इस प्रकार ही उनकी जो लगातार गांधी जी की जो सक्सेस चल रही थी, मास अपील चल रही थी, लगातार सभी वर्गों के लोग स्पेशली पुअर एंड पीजेंट्स उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे थे, तो हमारा जो नेशनलिज्म का नेशनलिज्म भी जो है वो ब्रॉड बेस्ड हो रहा था, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में लगातार बढ़ रही थी। और इस प्रकार केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन उनका संगठन चल रहा था। न्यू ब्रांचेज ऑफ कांग्रेस वर सेट अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के कई भागों में कांग्रेस की जो शाखाएं हैं, ब्रांच हैं, वो शुरू हो गई, लगातार वो एस्टेब्लिश होने लगी। ए सीरीज ऑफ प्रजा मंडल्स वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट द नेशनलिस्ट क्रीड, और एक प्रकार का जो प्रजामंडल वर एस्टेब्लिश्ड स्थापित हुआ टू प्रमोट नेशनलिस्ट क्रीड, यानी राष्ट्रवादी सोच को, राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए। इन द प्रिंसली स्टेट्स, जो देसी राज्य थे उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना आती जा रही थी। गांधी जी एनकरेज्ड द कम्युनिकेशन ऑफ नेशनलिस्ट मैसेज, और इस प्रकार उन्होंने लगातार राष्ट्रवादी संदेश दिए इन द मदर टंग, यानी लोगों की जो मातृभाषा में, रेदर देन इन लैंग्वेज ऑफ रूलर्स, यानी रूलर्स की भाषा में नहीं, जो रूलर की भाषा इंग्लिश थी और उन्होंने उसमें कोई मैसेज नहीं दिया। दस दी प्रोविंशियल कमिटीज ऑफ कांग्रेस वर बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक रीजन, और इस प्रकार जो प्रोविंशियल कमिटीज थी कांग्रेस में वर बेस्ड, वो किस पर आधारित थी, ऑन द लिंग्विस्टिक रीजन, वो भाषाई आधार पर स्थापित की गई थी, रेदर देन द आर्टिफिशियल बाउंड्रीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इस प्रकार वो ब्रिटिश इंडिया ने एक जो आर्टिफिशियल बाउंड्री स्थापित की थी उसके आधार पर नहीं थी। इन दीज डिफरेंट वेज नेशनलिज्म वाज टेकन टू फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री, इस प्रकार जो हमारा राष्ट्रवाद था, लोगों का देश के लिए जो प्यार था, वो दूर दूर तक देश में पूरी जगह हर जगह फैल गया, एंड एम्प्रेस्ड बाय सोशल ग्रुप्स प्रीवियसली अनटच्ड बाय इट, और उन सामाजिक समूहों सोशल ग्रुप्स में भी चला गया जहाँ पहले ये नहीं था। थैंक यू वेरी मच।